हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बड़ी क्रिस्पी गोभी मंचूरियन की रेसिपी। दोस्तों, बनानी बेहद आसान है। अगर घर पर गेस्ट आ रहे हैं, आप कुछ डिफरेंट स्नैक्स उन्हें खिलाना चाहती हैं, घर पर गोभी रखी है, आप सोचिए गोभी के पकौड़े ना बनाएं, कुछ अलग सा बनाएं, तो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आपको बनाने में भी ईजी लगेगी, सर्व करने में भी मजा आएगा और खाने वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इतनी ईजी रेसिपी, गोभी मंचूरियन। तो गोभी मंचूरियन की तैयारी करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले गोभी का फूल लें। मैं मीडियम साइज का गोभी यानी कॉली फ्लावर ले रही हूँ। उसके आप ऊपर से फ्लोरेट्स निकाल लें, उन्हें अच्छे से धो लें और धोने के बाद दोस्तों हम इन्हें गर्म पानी में थोड़ी देर सोख करके रखेंगे। किसी बड़े सॉस पैन में आप पानी गर्म करें, उसमें डालें नमक और इसमें हम गोभी के टुकड़े ऐड कर देते हैं। तो देखिए पानी गर्म है, अच्छे से बॉयल होने लगा है, लेकिन हम इसे बॉयल नहीं करेंगे। आप बॉइलिंग पानी में गोभी को डालें, साथ में नमक भी डालें और गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर हम इसे बॉईल करते रहेंगे तो ओवर कुक हो जाएगी। हम इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में सोख करके रखेंगे। 5 मिनट बाद गोभी को आप किसी स्ट्रेनर में निकालें। तो देखिए 5 मिनट से गोभी को मैंने गर्म पानी में रखा हुआ था, अब मैंने इसे जाली की किसी टोकरी में निकाल लिया है ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। तो देखिए गोभी बड़े अच्छे से ड्रेन हो गई है, मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। दोस्तों, इन गोभी के टुकड़ों को अब हम फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमें बैटर बनाना होगा। बैटर के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा। और दोस्तों अच्छा सा बैटर बनाएंगे हम पानी से, लेकिन उसमें हम कुछ सॉस ऐड करेंगे फ्लेवरिंग के लिए, थोड़ी सोया सॉस, थोड़ा विनेगर, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च, और पानी ऐड करते हुए हल्का सा पतला बैटर बनाएंगे। तो देखिए एक बड़े बर्तन में मैंने लिया है मैदा, ये 2 टेबलस्पून मैदा ले रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लावर पाउडर और इसे पानी ऐड करके मैं पतला सा घोल बनाऊंगी। आप इसमें पानी ऐड करें थोड़ा थोड़ा और अच्छे से बीट करते हुए एक लंप फ्री बैटर बना लीजिए। बैटर बनकर रेडी है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधा टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि कलर अच्छा आए, फ्लेवर अच्छा आए, और इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च भी ऐड करेंगे। अब इसमें 2 छोटे चम्मच हम ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका, और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं बैटर काफी पतला है। बैटर की हमने बहुत अच्छे सीजनिंग कर ली है, हमारा बैटर बनकर रेडी है और आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से पतला बैटर बना है, ताकि गोभी पर बहुत ज्यादा मोटी कोटिंग ना हो आटे की। इसमें सभी गोभी के फूल ऐड करें, बैटर में सभी गोभी के टुकड़े ऐड करें, अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सभी पर अच्छे से बैटर की कोटिंग हो जाए और हम बहुत पतली या बहुत मोटी कोटिंग नहीं करेंगे। गोभी को अच्छे से मिक्स कर लें बैटर में। तो देख रहे हैं आप, मैंने एक तरफ प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर रखा हुआ है। आप चाहें तो गोभी को यूं भी डायरेक्टली फ्राई कर सकती हैं, नहीं तो आप इन्हें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर पाउडर इस पर डस्ट करें या इसे थोड़ा सा टैप करें इस तरीके से, कॉर्नफ्लावर में थोड़ा रोल करें और फिर फ्राई करें, तो बड़े अच्छे से गोभी क्रिस्पी और क्रंची बहुत अच्छे से फ्राई हो। तो देखिए मैं सभी गोभी के फ्लावर्स को पहले बैटर में डिप किया है और अब मैं इन्हें कॉर्नफ्लावर में अच्छे से कोट कर रही हूँ ताकि बड़ी क्रंची रेस्टोरेंट जैसी बने। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म होने के लिए और अब मैं इन्हें गर्मा गर्म तेल में तल लूंगी। आप गर्म करें तेल और आंच को मीडियम कर दें और गोभी के फूलों को इस तरीके से फ्राई करना शुरू कर दें। देखिए फ्लोरेट सभी अच्छे से फ्राई होने स्टार्ट हो गए हैं। तेल गर्म है लेकिन आंच को हमने मीडियम किया हुआ है और हमने गोभी को पहले गर्म पानी में पार्शली कुक भी कर लिया था, जिससे जब तक गोभी फ्राई होगी तो बड़े अच्छे से क्रंची रहेगी, ना ओवर कुक होगी ना ही ये कच्ची रह जाएगी। तो देखिए 5 मिनट से भी कम टाइम में गोभी बहुत अच्छे से फ्राई होगी, 3 से 4 मिनट में गोभी अच्छे से फ्राई हो जाती है, तो इन्हें आप निकाल लें। तो देखिए गोभी बहुत अच्छे से क्रंची फ्राई हो रही है और मैं इन्हें थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई कर रही हूँ ताकि ये जले भी नहीं और एकदम से सौगी भी ना हो और क्रंची रहे। तो आप इन्हें फ्राई करें और एब्जॉर्ब पेपर पर निकाल लें। तो देखिए गोभी को हमने फ्राई कर लिए, क्रंची देखने में ही लग रही है, बनकर रेडी है। अब हमें इसे सौते करना है, तो देख लिए हमें और क्या क्या चाहिए। गोभी मंचूरियन का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटा लहसुन यानी गार्लिक, फाइनली चॉप जिंजर, थोड़ा सा हमें बारीक कटा प्याज और हमें चाहिए बारीक कटी कैप्सिकम। अगर सीजन में दोस्तों स्प्रिंग अनियंस है तो आप वो भी उनके स्टेम वाला पार्ट डाल सकते हैं, वो भी टेस्ट अच्छा बनाता है। साथ में हमें चाहिए सोया सॉस, विनेगर यानी व्हाइट विनेगर हमें चाहिए। और दोस्तों बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके रेड चिली सॉस रखी वो ऐड करें, और साथ में ऐड करें टोमेटो केचप, उससे बहुत अच्छी स्वीटनेस भी आएगी और थोड़ी सी बॉडी भी मिलेगी। और साथ में हमें चाहिए काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। दोस्तों इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ चलिए बना लेते हैं। एक पैन में दोस्तों डालें 2 चम्मच ऑयल और साथ ही इसमें ऐड कर दें फाइनली चॉप जिंजर एंड गार्लिक। इसे हम हल्के हाथ से सौते कर लेते हैं ताकि इसकी खुशबू आने लगे। दोस्तों अदरक से बहुत अच्छा स्वाद आता है तो अदरक भी जरूर ऐड करें, लहसुन भी ऐड करें।
देखिए जिंजर एंड गार्लिक अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसमें अनियंस जो हमने फाइनली काट कर रखे हुए थे उन्हें ऐड करूंगी। आप दोस्तों कैप्सिकम बाद में ऐड करें, मैं इसमें पहले अनियन ऐड करूंगी। एक मिनट तक सौते करूंगी और फिर इसमें कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियंस ऐड करेंगे। दोस्तों कैप्सिकम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आप जरूर ऐड करें। अगर स्प्रिंग अनियंस यानी हरे प्याज जो है वो अगर सीजन में नहीं तो ना ऐड करें। तो हरे प्याज का दोस्तों आप बीच का जो पोर्शन होता है थोड़ा व्हाइटिश और ग्रीन कलर का आता है वो ऐड करें। और चाइनीज कुकिंग जब भी करें तो फ्लेम को हाई रखें ताकि क्रंच अच्छा बना रहे सभी सब्जियों का। तो देखिए मैं तेज आंच पर सभी सब्जियों को सौते कर रही हूँ, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो हम सीजनिंग करेंगे सभी चीजों की। आप नमक को कम डालें क्योंकि हम इसमें काफी सारी सॉसेज ऐड करेंगे जिससे नमक तेज हो जाता है। मैंने आधा टीस्पून नमक ऐड किया, मैं इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। रेड चिली सॉस से फ्लेवर खुशबू तो आएगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा। आप 1 से 2 टीस्पून ऐड कर दें। और इसे 2 से 3 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस ऐड करें, टोमेटो सॉस से बड़ी अच्छी स्वीटनेस आती है। अगर आपकी टोमेटो सॉस ज्यादा मीठी नहीं है तो 1 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही 1 चम्मच मैं ऐड करी सोया सॉस। दोस्तों जनरली हमें मार्केट में डार्क सोया सॉस मिलती है तो आप 1 टीस्पून ही ऐड करें। साथ ही इसमें ऐड करें 2 टीस्पून सिरका। दोस्तों सोया सॉस अगर ज्यादा हो जाती है तो कलर खराब हो जाता है, अगर कम डली है तो हम ऊपर से ऐड भी कर सकते हैं। तो हम इन्हीं सब मसालों के साथ हम अच्छे से सौते करेंगे अपनी सब्जियों को। तो तेज आंच पर अच्छे सौते करें। दोस्तों मैंने रेड चिली सॉस ऐड की है पर मैं इसमें थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून ही। दोस्तों इसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे जो कि बहुत अच्छी खुशबू अरोमा देगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों सभी सॉसेस को ऐड करने के बाद 2 मिनट तक आप तेज आंच पर सब्जियों को कुक करें ताकि सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएं। दोस्तों हम ड्राई गोभी मंचूरियन बना रहे हैं तो इसमें मैं भी सभी क्रिस्पी फ्राइड जो हमने गोभी फ्लोरेट्स रखे हैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो आप आधा कप पानी में आधा टीस्पून या 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमने काफी सारी सॉसेज ऐड की हैं, टोमेटो केचप ऐड किए जिससे इसमें ग्रेवी वाला टेस्ट आएगा। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें, देखिए कितना अच्छा कलर आया। दोस्तों हमने गोभी को तो पहले ही फ्राई करके कुक कर लिया है, हमारी सब्जियां भी हम चाहते हैं क्रंची रहे तो इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे नहीं तो सौगी हो जाएगी। तो गोभी मंचूरियन बनकर रेडी हो गया है, तो चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी एंड टेस्टी गोभी मंचूरियन। दोस्तों आपने देखा इसे बनाना कितना आसान था, गोभी घर पर रखी रहती है और हम आलू गोभी और जाने क्या क्या बनाते हैं। लेकिन एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, बच्चों से बड़ों को सबको पसंद आएगी और गेस्ट तो इम्प्रेस होंगे ही। तो दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप जल्दी बनाएंगे और मुझसे शेयर करेंगे कि रेसिपी कैसी बनी। मैं चलती हूँ, आप ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। और हाँ, मेरा चैनल कुक विद मोनिका जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।